हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। अभी हम इसमें लेकर आ रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी से प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये इस सीरीज़ की छठवीं वीडियो है, छठवां पेपर है। इसमें हम जीके जीएस और करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आए हुए थे 2018 के पेपर में, वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये इस सेट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का कौन सा पद एमएस धोनी को प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के साथ राजस्थान सरकार ने सरकारी कॉलेजों के 9500 छात्रों को 9500 छात्रों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? पहला भारतीय व्यक्ति जिसने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपी थोनाकल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर शहर उत्तर प्रदेश का किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत की साइखोम मीराबाई चानू ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अनाहिम में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में डैश जीता है। तो ये कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष में लागू हुआ था? 2010 में शिक्षा का कानून लागू हुआ था। कवक की कोशिका भित्तियां डैश में डैश से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? काइटिन से बनी होती हैं कवक और भित्तियों की कोशिका। इसके बाद है, यथा सितंबर 2018 गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? 2018 के वर्तमान मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर। अगला क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहा जाता है। तो इसको मूत्र मार्ग कहा जाता है। इससे अभी हम जैसे हमने अभी देखा मुख्यमंत्री के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए, तो अक्सर पूछे जाते हैं मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन से ईयर में कौन से रहे और कौन से नंबर पे रहे। तो इसकी वीडियोस हमने सेपरेट बना रखी हैं, मुख्यमंत्री की भी वीडियो बना रखी हैं, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो वहाँ से जा करके वीडियोज़ देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत ने तमिलनाडु सिंचाई कृषि आधुनिकीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंकों के साथ एक समझौते में कितने ऋण के लिए हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा $318 मिलियन, $318 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश है। तो समूह में समान रहती है, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। उस व्यक्ति एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताएं जिनकी जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई है। दंगल फिल्म किनके पर बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर सिंह फोगाट, महावीर सिंह फोगाट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पुरस्कार विजेता फिल्म लिटिल मैजिशियन किस भाषा में बनाई गई है? किस भाषा में बनाई गई थी? तो लिटिल मैजिशियन इंग्लिश भाषा में बनाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्च 2018 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं।
उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है। तो इसमें आप, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट डैश में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है ओडिशा में। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। तो फ्लोएम वाहिका से मिलकर बना होता है। आर्य समाज को डैश नामक छोटी जनजातियों में बांटा गया था। आर्य समाज को विश नामक छोटी जनजातियों में बांटा गया था। इसके बाद उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडप के नीचे हिस्से के फूल भाग को, फूले भाग को क्या कहा जाता है? अंडप के नीचे हिस्से के फूले भाग को कहा जाता है अंडाशय। इसके बाद है, संघाई सहयोग संगठन SCO शांति मिशन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? रूस में किया गया था, रूस में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया था, वेंकैया नायडू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काई या लाइकन से निकाला जाएगा। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी सेट छठवें सेट में 2018 के ग्रुप डी छठवें सेट में आए हुए थे जीके जीएस और करंट अफेयर से। इसके अभी बाकी के सेट भी हम लेकर आ रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और भी इसमें हम जीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस की वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।